दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिचेल स्टार्क ने दी धमकी तो महेंद्र सिंह धोनी ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले मिचेल स्टार्क ने भारत के खिलाफ धमकी भरा बयान दिया है। इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी ने उनके धमकी भरे बयान को दिल पर लेते हुए पलटवार के रूप में ऐसा करारा जवाब दिया जिसको सुनकर हर एक भारतीय फैंस का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने मिचेल स्टार्क की धमकी भरे बयान पर कौन सा बयान दिया है, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ दोनों के बीच हुई जुबानी जंग के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में से कौन खतरनाक खिलाड़ी है? अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला 1 मार्च से इंदौर में खेला जाएगा। 4 मैच की टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबले भारत ने अपने नाम किए हैं और 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। पहला टेस्ट नागपुर में भारत ने पारी और 132 रनों से जीता था, जबकि दूसरा मुकाबला दिल्ली में 6 विकेट से अपने नाम किया था। और इस सीरीज का एकमात्र शतक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से आया है, जिन्होंने नागपुर में 120 रनों की शानदार पारी खेली थी। गेंद के साथ दोनों टीमों के स्पिन गेंदबाजों ने कमाल किया है और भारत के लिए अश्विन और जडेजा ने जमकर विकेट चटकाए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉड मर्फी और नाथन लियोन ने विकेट झटके। हालांकि तीसरे मुकाबले के लिए दोनों टीमों में बदलाव हुए हैं, जहां पर भारतीय टीम में सिर्फ स्क्वाड में 1 नाम बनाया गया है तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में डेविड वार्नर और जोश हेजलवुड को जोड़ के कारण बाहर का रास्ता दिखाया गया। साथ में पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में तीसरे टेस्ट में स्टीव स्मिथ को कप्तानी करने का मौका मिलेगा। और ऐसे में इस मुकाबले से पहले ऑलराउंडर मिचेल स्टार्क ने भारत के खिलाफ जहरीला बयान दिया है, जिसमें मिचेल स्टार्क ने अपना बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबले भारत के नाम रहे हैं, लेकिन अब अगले 2 मुकाबलों में भारत को किसी भी कीमत पर जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि अगले 2 मुकाबलों के लिए हमारी टीम काफी ज्यादा मजबूत बन चुकी है। हालांकि हमारे 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी टीम से बाहर हो चुके हैं, साथ में हमारा कप्तान भी बाहर हो गया, लेकिन हमारी टीम का आत्मविश्वास घटने के बजाय अब बढ़ चुका है, क्योंकि हम आपको अगले 2 मुकाबलों में किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। ऐसे में उस जीत की लालसा को लेकर हम मैदान में उतरेंगे और भारत की टीम को पूरी तरीके से हराकर उसकी सही औकात दिखाते हुए सीरीज को अपने नाम कर लेंगे। तो वहीं मिचेल स्टार्क के इस जहरीले बयान का मुंहतोड़ जवाब देते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम को एक बार फिर से जीत मिलने वाली है, क्योंकि तीसरे मुकाबले में हमारी टीम एक बार फिर से मजबूती के साथ मैदान पर उतरेगी। हमारी टीम ने पहले 2 मुकाबलों में जीत हासिल करने के साथ तीसरे मुकाबले के लिए एक माइंडसेट रणनीति बना ली है, जिसको तोड़ पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। और इस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम विश्व की सबसे खराब टीम दिखाई दे रही है, ऐसे में उनको हराना हमारी भारतीय टीम के लिए बेहद आसान है और मुझे लगता है कि भारतीय टीम अगले मुकाबले में आसानी से जीत दर्ज करेगी और ऑस्ट्रेलिया को हराकर उसकी सही जगह दिखाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, तीसरे मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम जीत दर्ज कर सकती है, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।